আমি তোমাকে ভালোবাসি। ये है बेलगिरी। बेलगिरी हाँ, जोड़ों के देसी बंगाल आइटम है, सब बंगाल देसी आइटम। ये बंगाली पोई साग। बंगाली पोई साग जी, इसको उर्दू में बंगाली पालक भी बोलते हैं और इसको बंगाली पोई साग भी बोलते हैं। और बंगाली तो कहे लाल साग एडरे, लाल साग एडरे कहे लाल साग। लाल साग खाईते बहुत मजा। ईसा मास बंगाली तो कहे ईसा मास, एडर नाम हो झींगा मास, झींगा। ये बंगाल का देसी लौकी और इसको देसी कद्दू भी बोलते हैं। व्हाट्सअप गाइस, अस्सलाम वालेकुम, अपनारा केमन आसेन, आशा करी सबाई ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিসিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন, আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। আজ বাত করতে वाले हैं মিনি বাংলাদেশ ইন করাচি, छोटा बांग्लादेश कराची में। और बंगला बाजार मच्छी मार्केट कराची है। इस बाजार को मिनी बांग्लादेश क्यों बोला जाता है और यहाँ पे क्या खासियत है, वो ऐसी क्या चीज़ है जो कराची के अंदर इसको मिनी बांग्लादेश करार देती है और इस बंगला बाजार को मिनी बांग्लादेश बोला जाता है। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैवी गो। आमी तुम्हाके भालोबाशी। वाओ। इसका पाउडर खुद बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं आप सुखा के इसको। जबरदस्त। बंड की जियो, खाओ पियो मजे करो। चेक द माइक एंड मेक श्योर इट साउंड राइट बॉय। खाओ पियो मजे करो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, और आप लोग सब कैसे हैं? कैसे हैं? मैं हूँ ज़ीशान और आपको मेरे इस चैनल पे एक बार फिर खुश आमदीद। तो भाई मंड के जियो, खाओ पियो मज़े करो। आज मैं आपको इस वीडियो में लेकर आया हूँ बफर जोन बंगाली पाड़ा, जहाँ के बहुत सारी चीज़ें बहुत यूनिक और बहुत फ्रेश मछलियाँ मिलती हैं आपको यहाँ पर। जो है कुछ नई नई चीज़ें जो हम दिखाएँगे, जो सिर्फ आपको बंगाली पाड़ा में ही मिलेंगी खाने की चीज़ें। तो हम आज एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ के रेट और यहाँ की चीज़ें आपको बताएँगे। तो चलें हमारे साथ, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक भाई, आप सुनाएं भाई। क्या हाल है, क्या नाम है आपका? आबिद, मोहम्मद आबिद। आबिद भाई, क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे? यहाँ पर तमाम चीज़ें मिली है भाई। क्या है ये? ये है स्टार फ्रूट। स्टार फ्रूट है, कमरक बोलते हैं इसको उर्दू में। और ये बही सफर जल। अच्छा, जन्नती फल। जन्नती फल मीठा होता है? मीठा होता है। ओहो, और ये अनारकली। अनारकली खून की ड्रिप। खून की ड्रिप यार, सही बात है, सही बात। अच्छा, और ये है कटबेल। कटबेल चटनी बनाने के लिए, इसके अंदर एक गुठली होती है जी। अच्छा, और ये है बेलगिरी। बेलगिरी हाँ, जोड़ों की देसी आइटम है, सब बंगाल देसी आइटम है। ये है हल्दी। हल्दी कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी इस्तेमाल कैसे करते हैं लोग? ये इसका पाउडर बनाइए आप सुखा के, ये देखिए। हाँ हाँ, इसका पाउडर खुद बना सकते हैं? खुद बना सकते हैं आप सुखा के इसको। जबरदस्त। अच्छा, मार्केट में जो हल्दी मिलती है उसमें पाउडर होता है? इसमें पाउडर मिला हुआ, मेडिसिन मिला हुआ था इसमें, बिल्कुल प्योर। आप खुद अपने हाथ से बनाइए, खुद से बना सकते हैं, खुद से बनाइए आप यार। जबरदस्त। अच्छा, और ये बताइए क्या चीज़ है? ये है आंवला। आंवला आंवला, और ये यह है भाई इसी का मुरब्बा। इसी का मुरब्बा है जी। जबरदस्त जबरदस्त। आपके पास अंडे भी लग रहे हैं यहाँ? हाँ, अंडे भी है। ये डबल जर्दी वाले अंडे। डबल जर्दी वाले हैं, देसी अंडे। और ये बत्तख के? मुर्गी के। मुर्गी के, मुर्गी के यार। डबल जर्दी से तो डबल बच्चे पैदा नहीं, डबल बच्चे पैदा होते हैं। और ये देखिए छोटे होते हैं। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे नहीं भाई, अच्छा सब खाते हैं, सब मिलती है भाई। बंगाल की हर आइटम मिलेगी, गोल पटाले, गोल बंगाल का सब्जी। बहुत शुक्रिया। क्या नाम था आपका? अफजाल। आबिद। आबिद आबिद, बहुत शुक्रिया। शब्द कतो कथार भेषे आशा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। खैरियत से हैं? बिल्कुल। क्या नाम है? मोहम्मद असलम। असलम भाई, क्या कह रहे हैं आप जी? आप जो पूछ रहे हैं हम वही बता रहे हैं। क्या कह रहे थे अभी? अमीर तुम्हारो भालोबाशी। पूरा बोलो। आमी तुम्हारे भालोबाशी। जबरदस्त। अच्छा, क्या क्या है यहाँ पर? इसका मतलब भी समझाना है। क्या है इसका मतलब? ये है पुई साग। यही इसका मतलब क्या है पहले? इसका मतलब है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
ऐसा ही है जी। अच्छा ये बताओ यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है? ये बंगाली पोई साग। बंगाली पोई साग जी, इसको उर्दू में बंगाली पालक भी बोलते हैं और इसको बंगाली पोई साग भी बोलते हैं। ये बिहारी लोग बंगाली लोग हमारे बहुत शौक से खाते हैं। बहुत मजेदार होता है, लेसदार होता है, जोड़ों के दर्द के लिए भी होता है। अच्छा। बहुत विटामिन सी है ये। और रेट क्या है इसका? ये रेट कितना है? 50-60 रुपए किलो बिक रहा है। जब माल शॉर्ट हो जाता है 80-100 रुपए बिकता है। आलू के साथ, सब आलू के साथ बनाओ, झींगे मच्छी के साथ बनाओ, छोटा झींगे के साथ बहुत मजेदार होता है। और ये? ये लाल साग, ये चावल भी लाल करेगा, ये बहुत मजेदार चीज है। खून बनता है, दो बोतल खून बनेगा साला। इसका नाम है लाल साग। लाल साग है और बंगाली तो कहे लाल साग एडरे, लाल साग एडरे कहे लाल साग। लाल साग खाईते बहुत मजा। हाँ, कितने रुपए किलो है ये? अभी तो फिलहाल 120-180 ऐसा बिक रहा है। अच्छा जी। और किस किस चीज के साथ बन जाता है ये? ईसा मास दिया। ईसा मास बंगाली तो का ईसा मास एडर नाम होले झींगा मास। झींगा चावल, चावल के साथ, चावल के साथ खाओगे तो बहुत मजा आएगा, लाल लाल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, VIP करके। और क्या है तुम्हारे पास? ये सजना फली है। सजना फली, इसको बंगाली में शोइना कहते हैं। इसका सालन लेसदार होता है, बहुत मजेदार होता है, जोड़ों के दर्द के लिए, शुगर के लिए बहुत बेहतरीन चीज होता है। आलू के साथ बनाइए, शोरबे वाला बनाइए, शोरबे के दाल के साथ बनाइए। ये कितना? 200-150 रुपए किलो बिकता है। 200-150 रुपए किलो। और बाकी चीज़ें तो आपको पूरे कराची में मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे जो कुछ यूनिक चीज़ें हैं वो आपको बंगाली पहाड़ में ही मिलेगी। ये बंगाल का देसी लौकी, और इसको देसी कद्दू भी बोलते हैं। ये बंगला से ही आ रहा है? बंगला, ये बीज बंगाल का होता है, यही है पैदावार। बीज बंगाल जी होता है यहाँ पे, यहाँ यही। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम, थैंक यू यार। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी मैं अपने नाज़रीन को दिखा रहा हूँ पंकज मछली, जो कि स्पेशल बांग्लादेश की जो है इसकी पैदावार है, और कोरिया की पैदावार है इसकी। और ये 850 रुपये किलो दे रहे हैं, और बिल्कुल फ्रेश है, और ये ज़िंदा है, ताज़ा है। इसमें नीचे टप रखा हुआ है, उसके अंदर ये ज़िंदा है। और ये इसकी फार्मिंग अब जो है पाकिस्तान में जाके स्टार्ट हुई, और ये बिल्कुल यूनिक आइटम है। बिल्कुल ऐसे ही देख रहे हैं, मेरे हाथ से भी स्लिप हो गई है ये। बिल्कुल बिल्कुल, इसको ज़रा देख के पकड़ना पड़ता है, क्योंकि इसके थोड़े कांटे भी हैं साइड में, आप देख रहे हैं। बिल्कुल कांटे हैं, थोड़े साइड के अंदर नहीं, बाहर की तरफ कांटे हैं, अंदर तो उसमें कांटे नहीं होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ अपने नाज़रीन को मैं बताना चाहूँगा कि ओरिजिनल जो मछली होती है, जो ताज़ी मछली होती है, उसकी पहचान क्या होती है। देखें, सबसे पहले तो आपने ये जो इसकी आईज होती है, आँखें होती हैं, इसको थोड़ा सा प्रेस करके देखना होता है, ठीक है। अगर ये ताज़ा मछली होगी तो इसकी आँख अपनी जगह पर वापसी आ जाएगी, ठीक है। इसकी आँख देखिएगा, अपनी जगह पर वापसी आ जाएगी, उसको आप प्रेस करेंगे। और अगर ताज़ी नहीं होगी तो ये अंदर चली जाती है, ठीक है, ये अंदर चली जाती है। इसके अलावा मार्केट के अंदर जब भी मछली खरीदने के लिए आप जाएं, तो उसके गलफड़े आप लाजमी चेक करें मछली के, ना कि गलफड़ों के अंदर बाजू का कलरिंग का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि प्रॉपर हर चीज़ फ्रेश है, उसमें कोई कलर का इस्तेमाल नहीं है। और ब्लड जो है ना इसका, विस्कस फॉर्म में आपको अंदर गलफड़े पे जब आप अपना थंब इंटर करेंगे आपको पता चल जाता है। ये मछली बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल ऐसे ही, वरना इसमें कलर का भी इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल आप ये देख रहे हैं, विस्कस लिक्विड के अंदर ब्लड आ गया मेरे हाथ में, और ये प्रॉपर ब्लड ही है, नो कलर, सारी चीज़ें फ्रेश हैं यहाँ पे। इनके पास एक कंघी वाली है, मोटी कंघी, एक कंघी वाली। पापलेट ब्लैक, क्या हिसाब है भाई? ये ज्यादा नहीं, 1000 रुपए किलो। और ये भाई ये रहू कांटे वाले, रहू कांटे वाली, मजेदार हाँ, जायकेदार मच्छी है, फ्रेश। हाँ वीरेश, इसका गलफड़े देखना नहीं पड़ेगा, इतना चिकनाइट है भाई अंदर से, एकदम हाँ डबाए। इसका फेस आ रहा है, और आंखें दिखाओ, आंखें ये देखिए आंखें भाई। ये कुकड़, कुकड़ देसी मुर्गी का तरह जायका, लोग खाते हैं ये जी भाई। हाँ ये सिर्फ हाँ शौक से, और बहुत से बंदे समझते हैं छिपकली का तरह मुँह है ना, इसलिए छोड़ देते हैं। कांटा एक होता है, कांटा एक होता है। कितने रुपए? ये ज्यादा नहीं है, 450 रुपए भाई। ये रामस, रामसर कितने किलो का है ये? होगा तकरीबन 2-2.5 किलो का। 2-2.5 नहीं यार, 5 किलो लग रहा है। 5 किलो वाला अंदर रखा हुआ है, अंदर रखा हुआ है। क्या है रामस? हाँ क्या हिसाब है? ये ज्यादा नहीं, ये 600 रुपए। 600 रुपए दिखाओ इसका मुँह, दिखाओ मुँह। ये देखिए मुँह, मुँह में क्या अंडा है? अंडा नहीं है, बच्चा है। बच्चा है? हाँ जबान है। हाँ अच्छा,
सलमान सलमान फिश क्या हिसाब है ये भाई, क्या हिसाब है? 800 छोटी मछलियाँ दिखाओ। छोटी मछली में धोतर एक नंबर एक कांटा व्हाइट पूरी पकाओ ग्रिल करो। हाँ ग्रिल करो। क्या हिसाब? ये 300। ये आ गया मीठा पानी का दंडिया, मीठे पानी का, मगर इसका नाम है कवई। कवई हाँ। क्या हिसाब? ये 200-250 चलता है भाई। 200-250 ये सारा में जबरदस्त आपकी दाल है। ये 400 रुपये किलो। इसके अलावा ये ब्लैक कुंद है। ये क्या कुंद है? कुंद। क्या हिसाब? 400। इसके अलावा दरिया प्योर जामशोरों का रोहू है, 4-5 किलो वाला। क्या हिसाब? ये 550 है, 500 रुपये पड़ेगा। इसके अलावा ये पड़ा हुआ मुई छप्पड़ मुई, सामने से इसका मुँह दिखाऊं। इसे लोग डांगरी बोल के बेचते हैं, डांगरी, मगर इसको ये मुई है। ये 5.5 किलो। क्या हिसाब? ये 600 रुपये किलो। 600 रुपये किलो। और आगे? इसके अलावा ये रेड स्नैपर हीरा पड़ा हुआ है, रेड स्नैपर। क्या हिसाब? ये 800 रुपये किलो। 800 रुपये फ्रेश है ये? कैसे? हाँ गारंटी फ्रेश है ये। कैसे पता चलेगा? इसका आइस से भी पता चलता है और कली से भी। जबरदस्त चुनिया की सर। सिर्फ बेहतरीन। क्या हिसाब? 700 रुपये किलो। 700 एक कांटा। और आगे ईरानी पापलेट भी नजर आ रहा है, ये क्या हिसाब है? ईरानी पापलेट 600 रुपये किलो है। ये इसका व्हाइट गोश्त होता है? इसके बिल्कुल अंडे का तरह गोश्त। छिलका भी उतरता है? खाल उतरता है। वैरायटी तो तुम्हारे पास बहुत है। ये कम है? इसके अलावा ये मुल्ला है, जिसे शहरी के बेचते इधर। इसके अलावा ये काला पापलेट है, काला पापलेट। क्या हिसाब? 800। इसके अलावा ये रामस पड़ा हुआ एक नंबर ओरिजिनल। एक नंबर जी। जबरदस्त सारे मीठे पानी का है, समंदर का है ये जी। का ये जेरा पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा साइज है ये, उठाना है कितना? बहुत बड़ा। क्या हिसाब है ये? ये किलो में 40 दाना है, 800 रुपये किलो। 800 रुपये किलो। इसके अलावा ये पटास है, ये उससे छोटा साइज है, ये 550-600 रुपये। केकड़ा दिखाना है ऐसे ही देख लो। दो भाई सूप बनता है, सूप बनता है, सालन भी बनता है। तो जी ये थी वीडियो मिनी बांग्लादेश कराची में, बांग्ला बाजार को कहते हैं, और यहाँ पे बांग्लादेश की सब आइटम मिलेंगी। यहाँ पे पाकिस्तान में दूसरे शहरों में बांग्लादेश की जो आइटम्स हैं ये नहीं मिलेंगी, बल्कि ये आपको मिलेंगी मिनी बांग्लादेश कराची के बांग्ला बाजार में। और यहाँ पे आपको बंगाल के अंदर उगने वाली हर सब्ज़ी, यहाँ पे हर एक मछली, यहाँ पे हर चीज़ वो मिलेगी जो बंगाल के अंदर होती है। लेकिन इस बाज़ार के अलावा आपको पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ें कहीं नहीं मिलेंगी जो कि मिनी बांग्लादेश बाज़ार से मिलेंगी, कि जो कि कराची में है। और यहाँ के लोगों की खासियत ये है कि इनका जो लहजा है, यहां पे रहने वाले लोगों का जो बिहेवियर है वो प्योर बंगालियों की तरह। अगर आपने बांग्लादेश देखना है तो आप मिनी बांग्लादेश देख लें, आप छोटा बांग्लादेश देख लें जो कि कराची में है। पाकिस्तानी क्योंकि बांग्लादेश जा नहीं सकते क्योंकि वीजे का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आपको बांग्लादेश की लाइफ को एंजॉय करना है तो आपको ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए मिनी बांग्लादेश कराची में भी मिल जाएगा, और आप वहाँ पे भी जाके एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे आप बांग्लादेशी आइटम्स देख सकते हैं, बंगालियों के तरह के ही लोग देख सकते हैं, इसीलिए इसको मिनी बांग्लादेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले लोगों का बिहेवियर, यहाँ के रहने वाले लोगों का पहनावा, यहाँ के रहने वाले लोगों का जो तौर तरीका है वो बंगालियों की तरह है, खाने भी बंगालियों की तरह खाते हैं। और अगर आपको एंजॉय करनी है लाइफ तो मिनी बांग्लादेश कराची चले जाएँ। तो ये थी आज की वीडियो, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।